chart or line graph is a type of chart which displays information as a series of data points. Line chart किस form में information को represent करता है? In the form of data points, right? And these data points are called as markers, right? Now you can see in the picture ये क्या है? आपके markers हैं और you can see data points हैं, okay? And these data points are connected with the help of the straight lines. ये किसकी help से connected है? इनको कौन join करता है? Straight line इनको join करती है. That's why we call it line chart, right? Okay. The pie plot interface offers plot function for creating a line graph. So line graph आप कैसे create करते हो? By using the plot function of pie plot module, right? To create a line graph, we need x and y coordinates. और आपको line graph create करने के लिए क्या-क्या चाहिए? X coordinate चाहिए, means x sequence चाहिए and y sequence का data चाहिए, right? Now we will do it practically. Let's do it practically, okay? तो सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें import करना है matplotlib library को, right? matplotlib.pyplot.plt, right? आपने matplotlib library को import किया है, okay? अब आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए x sequence and y sequence. तो हम लेते हैं x sequence के लिए date variable को और इसमें मैं ले लेती हूँ dates. राइट तो मैंने यहाँ पे ले लिया है डेट को 25/12 राइट वन डेट देन सेकंड ओके एंड नाउ नेक्स्ट वेरिएबल फॉर द वाई सीक्वेंस टेम्परेचर ले लेते हैं कि इस डेट पे टेम्परेचर क्या था लेट अस सपोज मैंने ले लिया 20, 22 एंड 24 ओके नाउ अब हमें क्या क्रिएट करना है हमें लाइन ग्राफ क्रिएट करना है तो हम क्या करेंगे matplotlib का प्लॉट फंक्शन यूज करेंगे यहाँ पर और उसमें एक्स एंड वाई सीक्वेंस को पास करेंगे तो एक्स पे हमें चाहिए डेट तो डेट को पास कर दो एंड वाई पे हमें चाहिए टेम्परेचर तो हमने टेम को पास कर दिया यहाँ पर राइट नाउ सिंपली आपको क्या करना है अपने ग्राफ को शो कराना है तो हम यहाँ पे matplotlib के शो फंक्शन पाई प्लॉट मॉड्यूल के शो फंक्शन का यूज करेंगे राइट नाउ वी विल एग्जीक्यूट दिस नाउ वी हैव गॉट आर लाइन प्लॉट हियर देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आपने डेट दिया था तो यहाँ पे आपका एक्स एक्सिस आ गया है एंड वाई एक्सिस पे आपका क्या आ गया टेम्परेचर आ गया 20 ओके एंड आपका क्या है 22 ओके एंड 24 राइट तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ गया यहाँ पे राइट नाउ What we will do, अब हम क्या करते हैं अब हम देते हैं x एक्सिस को एंड y एक्सिस को नेम राइट तो उसके लिए हम यूज करेंगे plt.xlabel x लेवल में हम दे देंगे डेट राइट एंड plt.ylabel y लेवल पे हम दे देते हैं टेम्परेचर राइट एंड हम दे देते हैं अपने ग्राफ को टाइटल ओके तो इसको हमने दे दिया plt.title टाइटल में दे दो डेट वाइज टेम्परेचर राइट डेट वाइज टेम्परेचर दिस इज आवर टाइटल ओके नाउ एग्जीक्यूट दिस नाउ अब आप यहां पे देखो आपका x लेवल आ गया डेट y लेवल आ गया आपका टेम्परेचर ओके एंड आपका चार्ट का आपके ग्राफ का टाइटल आ गया डेट वाइज टेम्परेचर ओके अब यहाँ पे हम इसका फॉन्ट साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं कैसे आप यहाँ पे एक पैरामीटर पास करोगे फॉन्ट साइज का राइट इसके अंदर हम एक पैरामीटर पास करते हैं फॉन्ट साइज और मैं फॉन्ट साइज कर देती हूँ यहाँ पे 15 ले लेते हैं फॉन्ट साइज इसी को कॉपी करके हम इसके अंदर पास कर देते हैं And here, okay. Now इसको execute करते हैं. Now you can see यहाँ पे आप देखो date का भी font size increase हो गया है आपका y level जो temperature है उसका भी font size increase हो गया है और आपका title का भी font size increase हो गया है, right? अगर आप चाहते हैं कि आप अपने चार्ट में ग्रिड लेंथ भी शो करो राइट तो आप यहाँ पे क्या करोगे ग्रिड फंक्शन का यूज करोगे plt.grid ग्रिड ओके एंड उसमें आप पास करोगे ट्रू
right? Okay, now we will execute this. Now look at the picture. क्या है आपकी ग्रिड लाइन्स भी आ गई हैं? ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मैं ये चाहती हूं, पहले हम फिगर को देखते हैं. देखो यहाँ पे y एक्सिस पे देखो ये डिफॉल्ट टिक्स आए हुए हैं. टिक्स क्या होते हैं? ये जो लाइंस बनी हुई है इनको टिक्स बोलते हैं, राइट? ये डिफॉल्ट टिक्स पॉइंट्स दिए हुए हैं, राइट? बट मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे वहीं पर टिक्स आए जहां पे आपकी वैल्यूज है. ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पैरामीटर, नॉट पैरामीटर, हम यहाँ पे y टिक्स फंक्शन का यूज करेंगे. ठीक है, अगर आपको x पे टिक्स अपने टिक्स लगाने हैं तो आप x टिक्स फंक्शन का यूज करते हो. अगर आपको y एक्सिस पे टिक्स यूज करने हैं, ओके, तो आप y टिक्स का यूज करते हो. तो मैं यहाँ पे y टिक्स का यूज कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ जहां पे टेम्परेचर है, जो मैंने टेम्परेचर दिया है वहीं पे टिक्स पॉइंट्स आए, राइट? ओके, मीन्स कहाँ कहाँ आए? हमारा टेम्परेचर था 22, ओके, एंड सी 20, 22 एंड 24. ओके, तो मैंने यहाँ पे y टिक्स दे दिया है, फंक्शन plt.yTix, उसमें टेम्परेचर को पास कर दिया है. ओके, एग्जीक्यूट दिस. Now look at the picture. अब आपके पास सिर्फ आपकी values point पे ही ticks आए हैं, 20, 22 and 24. ऐसे ही आप x axis पे अगर आपको ticks लगाने हैं तो आप क्या करोगे, plt.xticks, और आप अपना जो भी आप ticks use करना चाहते हो वो उसके अंदर sequence pass कर दोगे. Okay? अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमारा line graph का default color है वो क्या है, blue, right? And I want to change this color. आपको क्या करना है, अपने ग्राफ का, अपने प्लॉट का कलर चेंज करना है. तो आप क्या करोगे, प्लॉट फंक्शन के अंदर पैरामीटर पास करोगे कलर, राइट? और कलर के अंदर जो भी आप कलर देना चाहते हो, राइट, आप क्या कर सकते हो, आप करेक्टर कोड्स में भी दे सकते हो और कलर नेम्स में भी कलर को दे सकते हो, राइट? तो यहाँ पे सिंपली मैं क्या करती हूँ, जो भी कलर देना है उसका मैं यहाँ पे दे देती हूँ, कलर इक्वल्स टू आर, तो आर स्टैंड फॉर रेड. ओके, तो आप यहाँ पे देखेंगे अब आपका लाइन क्या हो चुका है, रेड कलर का हो चुका है, राइट? आपकी लाइन ग्राफ रेड कलर की हो चुकी है. ओके, नाउ द नेक्स्ट पैरामीटर इज लाइन विड्थ. ओके, बाय डिफॉल्ट आपकी क्या होती है, 1 पिक्सल की आपकी लाइन आती है, राइट? और यहां से हम क्या कर सकते हैं, लाइन विड्थ से हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं इसकी विड्थ. ओके, और किस में डिफाइन होती है, पिक्सल्स में आती है आपकी, राइट? ओके, नाउ तो हमारी 1 पिक्सल की बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या है, लाइन की विड्थ है, राइट? तो वी विल चेंज इट. आप इसको चेंज कर सकते हो, यहाँ पे मैं दे देती हूँ लाइन विड्थ एट्रीब्यूट को, और यू कैन से लाइन विड्थ पैरामीटर को, और मैं इसमें दे देती हूँ लेट अस सपोज 8 पिक्सल, राइट? लाइन विड्थ आपने क्या दे दिया है, 8 पिक्सल. ओके, एग्जीक्यूट करते हैं इसको. सी लाइन की विड्थ आपकी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है, फाइन. नाउ we can also set the line style of a line chart using the line style parameter. okay, तो यहाँ पे तो हमने line width इसकी क्या किया, change की है, ठीक है? default आपकी 1 pixel थी. आप क्या कर सकते हो, आप अपने line का, अपने line graph का style भी change कर सकते हो. okay, उसके लिए आप कौन सा parameter pass करोगे, उसके लिए आप pass करोगे line style parameter, fine? line style, तो मैं let us suppose यहाँ पे दे देती हूँ line style dotted. ओके, मैंने लाइन स्टाइल डॉटेड दे दिया है, आप डैश दे सकते हो, डैश डॉट दे सकते हो, सॉलिड, राइट? तो यहाँ पे देखो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं. देखो अब आपका लाइन का स्टाइल क्या हो गया है, आपका लाइन ग्राफ डॉटेड फॉर्म में आ गया है, फाइन. जब आप लाइन ग्राफ ड्रॉ करते हो, राइट, अगर आप मार्कर्स को स्पेसिफाई नहीं करते हो, मार्कर टाइप आप स्पेसिफाई नहीं करते हो, तो मार्कर्स विजिबल नहीं होते हैं, राइट? तो अगर आपको मार्कर्स को शो करना है, राइट, डेटा पॉइंट्स को शो करना है, तो आपको यहाँ पे मार्कर स्पेसिफाई करना होगा, राइट, मार्कर का टाइप स्पेसिफाई करना होगा. तो ये हम पैरामीटर्स कर चुके हैं, इनको हम यहाँ से हटा देते हैं, राइट, ये पैरामीटर्स मैंने हटा दिया है. ओके, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, मार्कर्स को स्पेसिफाई करेंगे. ओके, वी विल सी मार्कर्स, राइट? तो यहाँ पे मैंने इसको कलर को भी, कलर पैरामीटर आप समझ चुके हो, राइट? तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम लेंगे मार्कर, फाइन, लाइन विथ ले लेते हैं जिससे थोड़ा बड़ा आएगा. लाइन विथ पैरामीटर हम ले लेते हैं, लाइन विथ हम ले लेते हैं यहाँ पर 10. ओके, नेक्स्ट, ओके, मार्कर पैरामीटर आप पास करोगे. ओके, एंड आप यहाँ पे सिंबल दोगे जैसा मार्कर आप चाहते हो कि वो डिस्प्ले करे, फाइन. मैंने यहाँ पे दे दिया बी. ओके,
मार्कर का आप साइज डिफाइन कर सकते हो। मार्कर का साइज मैं दे देती हूँ, मार्कर का साइज मैंने दे दिया यहाँ पे 15, राइट? ओके, मार्कर साइज इज 15। तो जो आपने 15 दिया है वो क्या है, 15 पॉइंट्स है, राइट? तो यहाँ पे हमने मार्कर का, आपने मार्कर का सिंबल दे दिया है, ओके, एंड आपने मार्कर का साइज यहाँ पे डिफाइन कर दिया है 15, राइट? दिस इज योर मार्कर साइज एंड दिस इज योर मार्कर, ओके, लेट्स एग्जीक्यूट इट। सी, अब देखो यहाँ पे मार्कर्स में आपने क्या किया है, मार्कर एच कलर नहीं दिया, तो मार्कर क्या क्लियरली विजिबल नहीं है, ओके, डेटा पॉइंट्स आपके क्लियरली विजिबल नहीं है, क्योंकि वो किसमें मर्ज हो गए, वो लाइन का ही डिफॉल्ट कलर उसमें आया है, ब्लू कलर आया है। मैं चाहती हूँ मेरा मार्कर क्लियरली विजिबल हो, तो उसके लिए आप कौन सा पैरामीटर पास करेंगे, उसके लिए आप पैरामीटर पास करेंगे मार्कर एच कलर, राइट? तो आप यहाँ पे मार्कर एच कलर को पास करेंगे, ओके, और मैं चाहती हूँ जो मार्कर का एज बन जाए किस कलर से, रेड कलर से बन जाए, सो दैट इट कैन बी क्लियरली विजिबल टू अस, ओके, एग्जीक्यूट दिस। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो आपका मार्कर क्लियरली विजिबल है, ये देखो आपको दिखाई दे रहा है एक ट्रायंगल की फॉर्म में, ये आपका मार्कर है, ये आपके डेटा पॉइंट्स है, राइट? ये आपको ट्रायंगल की फॉर्म में विजिबल है यहाँ पर, राइट? ओके, ओके, अगर आप अपने फिगर में, ओके, मल्टीपल प्लॉट्स चाहते हैं, मल्टीपल लाइंस चाहते हैं, ओके, तो आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल टाइम्स प्लॉट फंक्शन को कॉल कर सकते हो, राइट? इफ यू वांट टू प्लॉट मल्टीपल लाइंस इन वन चार्ट, एक चार्ट के अंदर आप मल्टीपल लाइन ग्राफ क्रिएट करना चाहते हो, तो आप उतनी बार ही प्लॉट फंक्शन को क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, राइट? तो मैं ये आपको करके दिखाती हूँ कैसे। अभी हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, ओके, एक ग्राफ के अंदर आप टू, एक फिगर के अंदर आप टू लाइन ग्राफ्स को ड्रॉ करोगे, राइट? ओके, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम ले लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं अपनी लाइब्रेरी को, ओके, हमने इंपोर्ट कर लिया इसको। अब सिंपल ले लेते हैं हम एक्स सीक्वेंस, लेट अस सपोज मैं ले लिया 1, 2 एंड 3, दिस इज माय एक्स सीक्वेंस, ओके। नेक्स्ट आपका वाई सीक्वेंस में आपने ले लिया 5, 7, 4, राइट? ओके, नाउ PLT डॉट प्लॉट फंक्शन का यूज करेंगे। प्लॉट फंक्शन के अंदर आपने सिंपल इसको पास कर दिया एक्स सीक्वेंस को एंड वाई सीक्वेंस को, और इसको, इस जो आपका लाइन है इसको हम लेवल दे देते हैं, इसको हमने लेवल दे दिया है फर्स्ट लाइन, राइट? फर्स्ट लाइन, दिस इज द लेवल, ओके। अब सेकेंड जो आपको ग्राफ बनाना है उसके लिए आप अगेन क्या लोगे, एक्स सीक्वेंस, लेट अस सपोज मैंने x2 वेरिएबल में ले लिया आपका अगेन 1, 2 एंड 3, क्योंकि एक्स एक्सिस दोनों का सेम होगा, फाइन। यहाँ पे हम क्या डिफरेंट करेंगे, यहाँ पे हम वाई एक्सिस अलग अलग करेंगे, लेकिन एक्स एक्सिस दोनों का क्या है, सेम है, राइट? और वाई एक्सिस पे मैंने ले लिया 10, 11, 14, लेट अस सपोज, राइट? ओके, नाउ अब सेकेंड ग्राफ को हम प्लॉट करेंगे। सेकेंड ग्राफ को आपने x2 को पास कर दिया, y2 को पास कर दिया, फाइन, एंड इसको हम लेबल दे देते हैं, इस लाइन को हम लेबल दे देते हैं सेकेंड लाइन, ओके। अब आप क्या करना है, आप दे दो लेबल x लेबल, वाई लेवल एंड द टाइटल। तो हम एक्स लेवल दे देते हैं इसको, एक्स लेवल हमने दे दिया एक्स सीक्वेंस, ओके। फॉन्ट साइज इसका देते हैं, फॉन्ट साइज हमने इसका दे दिया 15, राइट? देन PLT डॉट वाई लेवल में आप दे दो y sequence, ओके, एंड आप अपना पैरामीटर इसमें पास कर दो, फॉन्ट साइज का भी हम दे देते हैं 15, राइट? ओके, नाउ वी विल गिव द टाइटल आपका हो गया PLT डॉट टाइटल, इसमें हम दे देते हैं मल्टीपल प्लॉट्स, राइट?
टाइटल हम देते हैं मल्टीपल प्लॉट्स. ओके राइट. अब देखो आपने लेबल्स दिए, यहाँ पे लेबल्स दिया है फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन. तो आपके लेबल्स कब आएंगे, जब आप क्या किसका यूज करोगे, लेसन फंक्शन का यूज करोगे. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, plt डॉट लेसन फंक्शन का यूज करेंगे राइट. plt डॉट लेसन एंड देन plt डॉट शो, जिससे आपका ग्राफ क्या होगा, शो होगा. फाइन, नाउ वी विल एग्जीक्यूट दिस. नाउ लुक एट द पिक्चर, हमारे पास टू लाइन प्लॉट्स यहाँ पर आ गए हैं. फर्स्ट लाइन आपकी जो फर्स्ट ग्राफ है वो आपका क्या है, ब्लू कलर का है, दिस वन. ओके, एंड सेकंड ग्राफ आपका क्या है, आपका ये सेकंड ग्राफ आपका ऑरेंज कलर का है राइट. बाय डिफॉल्ट ये कलर्स आए हैं. ओके फाइन, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने मल्टीपल प्लॉट्स को क्रिएट किया है. ओके Now, if you want to display multiple charts in the same window, मतलब एक विंडो के अंदर, एक फिगर के अंदर अगर आप मल्टीपल चार्ट्स को डिस्प्ले करना चाहते हो, तो आप क्या यूज करोगे, आप सब प्लॉट फंक्शन का यूज करोगे राइट. तो अभी हम इसको करके देखते हैं. यहाँ पर मैं करना चाहती हूँ दो चार्ट साइड बाय साइड मुझे क्रिएट करना है एक फिगर के अंदर. फाइन, तो मैं यहाँ पे पहले हेडिंग दे देती हूँ. ओके, आई गिव द हेडिंग ड्रॉ टू प्लॉट्स साइड बाय साइड. ओके, मुझे साइड बाय साइड टू प्लॉट्स को क्रिएट करना है विद इन अ वन फिगर, एक फिगर के अंदर. फाइन, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे पाई प्लॉट एज plt. ओके ओके, यहाँ पे हमें एरे क्रिएट करना है, तो हम क्या करते हैं numpy लाइब्रेरी को भी इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट numpy as np. फाइन ओके. नाउ अब आप क्या करोगे, आप क्रिएट कर रहे हो प्लॉट वन, ये मेरा प्लॉट वन है. तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे ले लिया np डॉट एरे राइट. ओके, तो ये numpy लाइब्रेरी का एरे फंक्शन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं. ओके, और इस फंक्शन में हम क्या पास कर रहे हैं, लिस्ट ऑफ वैल्यूज. तो ये लिस्ट ऑफ वैल्यूज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एरे के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. और ये एरे हम एज अ सीक्वेंस यूज करेंगे, एज अ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस राइट. तो हमने एक्स एक्सिस की सिक्वेंस ले ली है एरे की फॉर्म में. अब हम लेंगे, आप सिंपल भी सीक्वेंस ले सकते हो, अगर आपको एरे नहीं समझ में आता है तो आप सिंपल भी 0, 1, 2, 3 ले सकते हो राइट. ओके, यहाँ पे मैंने ले लिया वैल्यूज 3, 8, 1 एंड 10 राइट. फाइन, तो मेरे पास एक्स एक्सिस एक्स सीक्वेंस आ गई है एंड वाई सीक्वेंस आ गई है. तो अब मुझे सब प्लॉट क्रिएट करने हैं. तो मैं कौन सा फंक्शन यूज करूंगी, सब प्लॉट का, सब प्लॉट राइट, plt डॉट सब प्लॉट. ओके, मैंने किया 1, 2 एंड 1. ओके, 1, 2 एंड 1 राइट. अब यहाँ पे देखो, जो मैंने 1 लिखा है, 1 क्या है, नंबर ऑफ रोज, 1 रो 2 कॉलम्स, और जो ये वाला ग्राफ है क्या है, मेरा फर्स्ट ग्राफ है. समझ आया, जो मैंने पैरामीटर्स पास किए, जो फर्स्ट वन है इसका मतलब है क्या, नंबर ऑफ रोज. तो इस जो मेरी फिगर होगी, जो मेरी फिगर आएगी राइट, उसके अंदर नंबर ऑफ रोज क्या होगी, 1, लेकिन कॉलम्स क्या होंगे, 2 राइट, कॉलम्स होंगे 2. ओके, और जो ये वाला जो ग्राफ आएगा वो मेरा क्या है, फर्स्ट ग्राफ है, इसके अंदर वो मेरा फर्स्ट ग्राफ बनेगा राइट. नाउ अब इसको हम क्या करते हैं, प्लॉट कर देते हैं, plt डॉट प्लॉट एक्स एंड वाई, आपने पास कर दिया सीक्वेंस को. ओके, नाउ हमारा सेकंड प्लॉट, क्योंकि हम क्या करें, साइड बाय साइड टू प्लॉट्स को क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे. यहाँ पे ये मेरा सेकंड प्लॉट हो गया. अब सेकंड प्लॉट के भी मुझे क्या लेने हैं, एक्स सीक्वेंस और वाई सीक्वेंस लेने हैं. तो अगेन मैं क्या कर रही हूँ, numpy का एरे फंक्शन यूज कर रही हूँ राइट. एरे फंक्शन में आपने पास कर दिया 0, 1, 2 एंड 3 राइट. एंड आपने नेक्स्ट पास कर दिया.
ओके अब देखो एक्स सीक्वेंस हमने दोनों में सेम लिए, बट डजेंट मैटर, आप डिफरेंट भी ले सकते हैं क्योंकि प्लॉट्स तो हमारे अलग अलग ही होंगे, राइट right? यहाँ पे मैं ले लिया 10, 20, 30 and 40 इसका वाई सीक्वेंस, फाइन ओके। नाउ आपको अब क्या करना है, सेकेंड प्लॉट को आपको प्लॉट करना है, तो आपने plt.subplot, subplot फंक्शन का हम यूज करेंगे, subplot, subplot में आप पास करोगे 1, 2 and 2, राइट अब यहाँ पे 1, 2, 2 का क्या मीनिंग है, यहाँ पे 1 का मीनिंग है 1 रो, राइट ओके 1 रो, फाइन, और 2 का मीनिंग क्या है आपका सेकेंड ग्राफ, सॉरी 1 का मीनिंग है आपका 1 रो, 2 का मीनिंग है आपका 2 कॉलम्स, राइट एंड दिस इज द सेकेंड कॉलम, राइट ओके। मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाती हूँ, आपका फर्स्ट कॉलम ये वाला ग्राफ क्रिएट करेगा, प्लॉट 1 ये आपका फर्स्ट कॉलम के अंदर आएगा ओके और ये वाला आपका आएगा सेकेंड कॉलम के अंदर, तो यहाँ पे इसका हो गया 1 का मीनिंग 1 रो एंड 2 का मीनिंग 2 कॉलम्स एंड 2 स्टैंड्स फॉर द सेकेंड ग्राफ, राइट ओके। सो अब हमें क्या करना है नेक्स्ट, नेक्स्ट हमें करना है इसको प्लॉट, तो हम plt.plot फंक्शन का यूज करेंगे और यहाँ पे हम लगा देंगे, यहाँ पे हम पास कर देंगे x एंड y सीक्वेंस को, फाइन एंड देन यू विल डू plt.show फंक्शन, राइट ओके। नाउ एग्जीक्यूट दिस, नाउ लुक एट द फिगर, ये देखो आपका एक फिगर के अंदर क्या आ गया, 2 ग्राफ्स बन के आ गए, राइट साइड बाय साइड आपके 2 ग्राफ्स 1 फिगर के अंदर बन के आ गए ओके। नाउ यहाँ पे अगर आपको अपने ग्राफ को क्या देना है, आपको अपने ग्राफ को टाइटल देना है, तो आप क्या कर सकते हो, अपने ग्राफ को टाइटल भी दे सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे अपने फर्स्ट ग्राफ को टाइटल दे दिया plt.title और टाइटल आप दे दो यहाँ पे सेल्स, सेल्स ये मैंने फर्स्ट ग्राफ को टाइटल दे दिया, राइट अब मैं अपने सेकंड ग्राफ को भी टाइटल देती हूँ plt.title और इसको मैंने टाइटल दे दिया इनकम, राइट ओके। एंड अब मुझे क्या करना है, पूरी अपनी फिगर को देना है, जो मेरी कंप्लीट फिगर है उसको टाइटल देना है, राइट सुपर टाइटल देना है, राइट तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सब टाइटल फंक्शन का यूज करना है ओके। तो आप यूज करो plt.subtitle ओके एंड यहाँ पे आप टाइटल दे दोगे, जैसे आपने यहाँ पे दे दिया क्या, आप दे दो इसको my office आपने टाइटल इसको दे दिया, फाइन ओके। तो हमने क्या दिया है, अपने प्लॉट्स को दे दिया है और जो कंप्लीट फिगर है उसको दे दिया है, फाइन इसको एग्जीक्यूट करेंगे। नाउ लुक एट दिस, आपके क्या आ गए, यहाँ पे आपके प्लॉट्स के टाइटल्स आ गए, सेल्स आ गए आपका, यहाँ पे इनकम आ गया एंड माय ऑफिस आपका आ गया, राइट तो आपने यहाँ पे अपने प्लॉट्स को भी दे दिया है और आपने कंप्लीट फिगर को भी क्या दिया है, आपने टाइटल दे दिया ओके। अब मैं क्या करती हूँ, इसी प्लॉट्स को जो हमने साइड बाय साइड क्रिएट किए हैं उसको क्या करते हैं, हम एक के ऊपर एक को, मतलब ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर हम इसको प्लॉट करते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले हेडिंग चेंज कर देती हूँ, इसी में चेंजेस कर लेते हैं, सिंपल टू ड्रॉ 2 प्लॉट्स ओके ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, राइट एक दूसरे के ऊपर, फाइन। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट हमारे पास एक्स सीक्वेंस है, वाई सीक्वेंस है, राइट हमें सिर्फ सब प्लॉट फंक्शन में चेंज करना है, हमें सब प्लॉट फंक्शन में क्या चेंज करना है, यहाँ पे मुझे चाहिए नंबर ऑफ रोज 2 ओके, नंबर ऑफ कॉलम्स 1 ओके और ये मेरा फर्स्ट प्लॉट हो, राइट कैसे, नंबर ऑफ रोज आपकी यहाँ पे क्या हो 2 हो, नंबर ऑफ रोज आपकी यहाँ पे 2 हो, यहाँ जहाँ फर्स्ट रो में आपका फर्स्ट ग्राफ प्लॉट आ जाए, सेकंड रो में आपका सेकंड प्लॉट आ जाए, फाइन और नंबर ऑफ कॉलम आपका क्या है 1 है, फाइन ओके और ये वाला आपका क्या है, ये आपका फर्स्ट प्लॉट है, फाइन ओके। मैंने सिंपल सा एक चेंज किया यहाँ पर ओके एंड सेकंड में भी हमें सिर्फ क्या करना है, सब प्लॉट फंक्शन में ही चेंज करना है, तो यहाँ पे मैंने सब प्लॉट फंक्शन में इसको फिर से कर दिया नंबर ऑफ रोज 2 ओके, नंबर ऑफ कॉलम आपका हो गया 1 और ये ग्राफ आपका क्या है सेकंड ग्राफ है, फाइन ओके इसको एग्जीक्यूट कर दो। नाउ
लुक एट द पिक्चर. अब आपका क्या हुआ है, आपका एक ये क्या है, एक प्लॉट दूसरे प्लॉट के टॉप पे आ गया है, राइट. ओके, हमने सिर्फ किस में चेंज किया था, हमने सिर्फ ये जो आपके सब प्लॉट के पैरामीटर्स थे, जो सब प्लॉट में आपने वैल्यूज पास की थी, उसको हमने चेंज किया है. फाइन, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स को चेंज करके आपने इसको क्या किया, क्रिएट किया है. फाइन, तो अब यहाँ पे देखो ग्राफ क्या है, ऊपर नीचे आपके ग्राफ्स आ गए हैं. ओके, ऐसे आप मल्टीपल प्लॉट्स को ड्रॉ कर सकते हो, राइट. तो मैं मान लो अगर आपको 6 प्लॉट्स यहाँ पर चाहिए, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे 6 प्लॉट्स ले लेती हूँ. ओके, और आपको इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, आपको 6 प्लॉट्स ड्रॉ करने हैं. फाइन, तो यहाँ पे देखो मेरा प्लॉट 1 ये है, और इसमें यहाँ पे मैंने वैल्यू दे रखी है. ओके, राइट. फाइन, नाउ अब यहाँ पे जो सब प्लॉट्स की वैल्यू है उसमें मैं चेंज कर देती हूँ. यहाँ पे मुझे चाहिए 2 रोज चाहिए, ओके, एंड 3 कॉलम्स चाहिए. और ये मेरा क्या है, फर्स्ट प्लॉट है. 2 रोज, नाउ लुक एट दिस, 2 रोज 3 कॉलम्स एंड दिस इज माय फर्स्ट प्लॉट, राइट. एक्स वाई, ये मेरा फर्स्ट प्लॉट हो गया, राइट. अब यहां से मैं टाइटल हटा देती हूँ. ओके, और ये मेरा प्लॉट 2 हो गया. प्लॉट 2 में भी आपने यहाँ पे क्या करना है, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स. फाइन, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, और ये आपका सेकेंड ग्राफ हो गया. फाइन, ये आपका क्या हो गया, सेकंड ग्राफ हो गया. 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, एंड ये आपका सेकंड ग्राफ हो गया. ऐसे क्या करते हैं, हम इन ग्राफ्स को ही कॉपी कर लेते हैं, इनका ही वैल्यू हम कॉपी कर लेते हैं. देखो मैंने यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी. फाइन, और इसको मैंने हेडिंग दे दिए, यहाँ पर हेडिंग दे दो आप इसको, हैश प्लॉट 3. ओके, एंड कंट्रोल वी. पूरा कॉपी नहीं हुआ है, इसको हम पूरा कंप्लीट कॉपी कर लेते हैं, ठीक है. सिंपली आपको यहाँ से डेटा कॉपी करना है, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल डी. दिस इज माय थर्ड प्लॉट. ओके ओके, नेक्स्ट आप ले लो प्लॉट 4. ओके, प्लॉट 4 का डेटा हम यहाँ से, अच्छा ये मेरा कौन सा प्लॉट है, थर्ड, तो मैं इसको कर दूंगी थर्ड प्लॉट, राइट. देखो ये मेरा फर्स्ट प्लॉट है, ये मेरा सेकंड प्लॉट है. ओके, ये मेरा थर्ड प्लॉट है, और सब में हमने क्या दिया है, कॉमन दिया है 3 रोज, ओके, एंड 2 कॉलम्स. नो, हमने यहाँ पे दिया है 2 रोज ले लेंगे एंड 3 कॉलम्स ले लेंगे, 2 रोज ले लेंगे एंड 3 कॉलम्स ले लेंगे, राइट. तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, राइट. 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, एंड हेयर ऑल्सो 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, राइट. 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, और ये मेरा प्लॉट क्या है, 3. फाइन, ओके. नाउ मेरे को आपका फोर्थ प्लॉट चाहिए, इसका डेटा मैं यहां से कॉपी कर लेती हूँ. ओके, कंट्रोल सी, और मैंने यहाँ पे कर दिया कंट्रोल वी, ठीक है. तो यहाँ पे 2 रोज 3 कॉलम्स, और ये मेरा प्लॉट कौन सा है, 4. फाइन, ये मेरा प्लॉट है 4. ओके, नेक्स्ट हम करेंगे प्लॉट 5 अपना, प्लॉट 5, राइट. और कोई भी आप इसमें डेटा ले लो, कोई भी प्लॉट हम ले लेते हैं. लेट सपोज हमने ले लिया ये वाला प्लॉट 2. ओके, कंट्रोल वी, ठीक है. और ये हमारा प्लॉट कौन सा है, ये हमारा 5 है, प्लॉट 5 है. ओके, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स के अंदर ये आपका प्लॉट 5 है. ओके, एंड लास्ट हमारा क्या है, प्लॉट सिक्स, राइट. प्लॉट 6 का डेटा आप यहां से ले लो, प्लॉट 6 हमारा ये बन जाएगा. लेट अस सपोज ये हमारा प्लॉट 6 बन जाएगा. ओके, कंट्रोल वी. तो हम सेम फिगर के अंदर बना रहे हैं अपने प्लॉट्स, ये हमारा प्लॉट 6 हो गया. फाइन, तो हमने यहाँ पे 6 प्लॉट्स ले लिए हैं. फाइन, अब यहां से मैं आपको एक बार समझा देती हूँ. ये आपका देखो 2 रोज आपकी कैसी बनेंगी, आपके 2 रोज बनेंगी, राइट, लाइक दिस, एंड आपके 3 कॉलम्स बनेंगे, राइट, 3 कॉलम्स. और इसके अंदर आपके क्या बनेंगे, 6 प्लॉट्स बनेंगे. फाइन, ये आपके 6 प्लॉट्स यहाँ पर क्रिएट होंगे. ओके, यहाँ पे आपके 1, 2, 3, 4, 5
एंड 6 लाइक दिस. ओके तो अब हम क्या करेंगे, इसको एग्जीक्यूट करेंगे. ओके तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट को कर देते हैं प्रेस. अब यहाँ पे देखो आपके पास क्या आया है, एक फिगर के अंदर आपने 6 प्लॉट्स को क्रिएट किया है. ओके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, राइट, आपके 6 प्लॉट्स आ गए हैं वन फिगर के अंदर, राइट. सो व्हाट इज बार चार्ट? अ बार चार्ट इज अ चार्ट दैट प्रेजेंट्स कैटेगोरिकल डेटा. बार चार्ट कौन सा चार्ट होता है जो डेटा को कैटेगरीज में डिवाइड करके प्रेजेंट करता है विद रेक्टेंगुलर बार्स. किस फॉर्म में? रेक्टेंगल बार्स की फॉर्म में, राइट, विद हाइट्स प्रोपोर्शनल टू द वैल्यूज दैट दे प्रेजेंट. और जो बार्स की हाइट है वो किसके प्रोपोर्शनल है, जो वैल्यू वो प्रेजेंट करना चाहते हैं, राइट. पाई प्लॉट ऑफर्स बार फंक्शन टू क्रिएट अ बार चार्ट. तो पाई प्लॉट मॉड्यूल बार फंक्शन आपको प्रोवाइड करता है बार चार्ट क्रिएट करने के लिए. जैसे आप यहाँ पिक्चर में देखेंगे, राइट, यहाँ पे क्या है, ये जो पिक्चर है वो किसकी है, फेवरेट स्पोर्ट्स की है. तो यहाँ पे कैटेगरीज है लाइक सॉसर, बास्केटबॉल, टेनिस, हॉकी, बेसबॉल. ओके एंड वाई एक्सिस पे क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पीपल, मतलब कितने लोगों का फेवरेट है सॉसर, कितने लोगों का फेवरेट है बास्केटबॉल, राइट, कितने लोगों का फेवरेट स्पोर्ट है टेनिस, राइट. तो दिस इज गिवन हियर, राइट. तो यहाँ पे बार चार्ट की हेल्प से आप क्या डिफाइन कर रहे हो, आप कैटेगरी डिफाइन कर रहे हो डेटा की, राइट. अब हम क्या करेंगे, हम प्रैक्टिकली बार चार्ट को क्रिएट करेंगे. तो आपने क्या किया, इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट एस पीएलटी. तो आपने सबसे पहले मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को इम्पोर्ट किया है, राइट. ओके यहां से हम क्या करते हैं इसका, ओके करेक्ट है, इंडेंटेशन में मैं इसका साइज देख रही थी. ओके अब क्या करना है, बार चार्ट में आपको हम लेते हैं एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे लेट अस सपोज हम ले लेते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. ओके तो हमने यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ले लिए हैं, पाइथन फर्स्ट लैंग्वेज. ओके देन आपने ले लिया आपकी सी, राइट, नेक्स्ट लैंग्वेज आपने ले ली सी प्लस प्लस. ओके एंड देन आपने ले ली जावा. ओके तो यहाँ पे मैंने 4 लैंग्वेजेस ले लिए हैं. फाइन और एक्स एक्सिस पे हम क्या ले लेते हैं, हम नंबर ऑफ पीपल ले लेते हैं कि कौन, या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ले लेते हैं कि किसने ऑप्ट किया है कौन सी लैंग्वेज को, राइट. तो मान लो आपने 85 स्टूडेंट ने लिया है पाइथन को और 70 स्टूडेंट्स ने लिया है सी को. ओके एंड 60 स्टूडेंट्स ने लिया है सी प्लस प्लस को एंड 80 स्टूडेंट्स ने लिया है जावा को, राइट. ओके अब सिंपल हमें क्या करना है, हमें करना है पाई प्लॉट के बार फंक्शन का यूज, राइट. तो यहाँ पे पूरा मैंने मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट ना लिख के पीएलटी डॉट बार का यूज किया है, पीएलटी डॉट बार. और बार फंक्शन में आप क्या पास करोगे, आप एक्स सीक्वेंस और वाई सीक्वेंस को पास करोगे, राइट, जो आप एक्स एक्सिस पे प्लॉट कराना चाहते हो और वाई एक्सिस पे आप प्लॉट कराना चाहते हो, फाइन. और फिर यहाँ पे आपने दे दिया पीएलटी डॉट शो. ओके इससे क्या होगा, इससे आपका बार ग्राफ शो होगा, फाइन. नाउ इसको एग्जीक्यूट कराते हैं. नाउ सी आपका बार ग्राफ आ गया है. ओके एक्स एक्सिस पे आप देखोगे, एक्स एक्सिस पे आपके क्या आए हैं, आपके लेबल्स आ गए हैं जो आपने दिए, पाइथन सी प्लस प्लस जावा, राइट. और वाई एक्सिस पे आपकी क्या आ गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए, राइट, मतलब जिन्होंने ऑप्ट किया है, राइट. ओके ओके अब हम क्या देंगे, अब हम देते हैं इसके अंदर एक्स लेबल देते हैं, राइट. ओके तो हम अगर आपको एक्स एक्सिस पे क्या देना है, लेबल देना है, तो आप क्या यूज करोगे, आप उसके लिए यूज करोगे पीएलटी डॉट एक्स लेबल, एल ए बी ई एल लेबल. ओके और जो भी आप इसके अंदर देना चाहते हो, आप जो भी लेबल देना चाहते हो आप लिख दोगे. जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया लैंग्वेजेस. ओके और वाई एक्सिस पे आप कौन सा लेबल देना चाहते हो, तो वाई एक्सिस के लिए पीएलटी डॉट क्या दोगे, वाई लेबल, वाई लेबल. और मैं इसमें लिख देती हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ले लेते, चलो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कि कितने बच्चों ने इसको लिया है, मतलब कितने बच्चों ने किस लैंग्वेज को ऑप्ट किया है, राइट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, राइट. ओके अब हमने ले लिया है एक्स लेबल और वाई लेबल. अब हम क्या करते हैं, इसको टाइटल दे देते हैं, इसको हम टाइटल भी दे देते हैं, पी एल टी डॉट टाइटल. अपने बार ग्राफ को हम टाइटल दे देते हैं, तो इसको सिंपल हम बार प्लॉट ही दे देते हैं टाइटल. तो यहाँ पे मैंने दे दिया बार एंड बार प्लॉट, राइट. ओके तो यहाँ पे आपने एक्स लेवल दिया, वाई लेवल दिया एंड टाइटल दिया. अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, राइट. एंड नाउ लुक एट दिस,
अब आप देखेंगे यहाँ पर एक्स लेवल आ चुका है आपका लैंग्वेजेस एक्स एक्सिस पे, ओके नंबर ऑफ स्टूडेंट आपका आ गया वाई एक्सिस पे, और आपका बार प्लॉट क्या आ गया, टाइटल आ गया, फाइन आ गया राइट। अब देखो अगर आपको क्या करना है, इसका फॉन्ट साइज चेंज करना है, फाइन आपने क्या, आप क्या चाहते हो, जो आया आपका एक्स लेवल वाई लेवल और जो आपकी आपका जो टाइटल आया है आप उसका फॉन्ट साइज चेंज करना चाहते हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप एक और यहाँ पे पैरामीटर पास करोगे, ठीक है एक्स लेवल के अंदर, वो कौन सा है, फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज मान लो मैं इसका दे देती हूँ 15, ओके फॉन्ट साइज आपने क्या दे दिया 15, और इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ कंट्रोल सी, और सेम मैं यहाँ पे कॉपी कर देती हूँ कंट्रोल वी, एंड सेम मैं यहाँ पे कॉपी कर देती हूँ कंट्रोल वी, फाइन। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक एट्रीब्यूट और पास किया है एक्स लेवल वाई लेवल और टाइटल में, अब हम क्या करेंगे इसको एग्जीक्यूट। अब नाउ लुक एट दिस, अब आप देखोगे जो हमारा प्रीवियस साइज था उससे ये साइज क्या हो चुका है, बिग हो चुका है आपका राइट, जो आपका एक्स लेवल वाई लेवल और आपका टाइटल है उसका साइज अब क्या हो चुका है, बिग हो चुका है, ओके नाउ अब नेक्स्ट आपको क्या देखना है यहाँ पर कि बार चार्ट में जो कलर है, ओके वो डिफॉल्ट कलर क्या आ रहा है, ब्लू कलर आ रहा है, ओके एंड इसकी डिफॉल्ट विथ जो आ रही है वो क्या आ रही है, 0.8 यूनिट्स राइट, जो इसकी डिफॉल्ट विथ होती है वो कितनी होती है, 0.8 यूनिट्स, और इसका डिफॉल्ट कलर क्या है आपका, ब्लू कलर है राइट। तो अब आप क्या करोगे, अगर आप इसकी विथ चेंज करना चाहते हो राइट, तो आप क्या करोगे, एक इसके अंदर पैरामीटर पास करोगे बार फंक्शन में, ओके बार फंक्शन में आप एक पैरामीटर पास करोगे विथ का, ओके एंड वहां से आप क्या कर सकते हो, विथ चेंज कर सकते हो राइट ओके तो मैं यहाँ पे मान लो इसकी विथ कर देती हूँ 0. अभी डिफॉल्ट कितनी होती है, 0.8 यूनिट्स होती है राइट, तो मैं इसको कर देती हूँ 0.5 यूनिट्स, ओके एंड कलर इसका ब्लू से हटा के, कलर एट्रीब्यूट पास करेंगे हम, कलर हमने इसका ब्लू से हटा के क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे कर दिया लेट अस सपोज रेड कर दिया, ओके नाउ एग्जीक्यूट दिस सी। अब इसकी विथ क्या है, इसकी विथ डिक्रीज होगी है, ओके पहले इसकी डिफॉल्ट विथ थी, डिफॉल्ट विथ कितनी थी 0.8 यूनिट्स, अब इसकी कितनी होगी है 0.5 यूनिट, और कलर पहले क्या था, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ब्लू कलर होता है, अब रेड आ गया है फाइन। लेकिन अगर आप चाहते हो कि जितने भी बार्स हैं ओके उनकी विथ अलग अलग हो, ओके और जितने भी उनके कलर्स भी अलग अलग हो राइट, तो यहाँ पे आप सिंगल वैल्यू ना देके क्या दोगे, आप लिस्ट ऑफ वैल्यूज दोगे लाइक दिस, मैंने यहाँ पे दे दिया 0.1 फर्स्ट बार की एंड 0.2 सेकंड बार, 0.3 थर्ड बार एंड 0.4 ठीक है। इन द सेम वे मैंने यहाँ पे कलर में भी डिफाइन कर दिया, मैंने सीक्वेंस में यहाँ पे कलर दिया, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, अब हम सीक्वेंस में कलर दे देंगे एज अ लिस्ट। फर्स्ट का मैंने दे दिया रेड, ओके सेकंड का मैंने दे दिया आपका ग्रीन, ओके और देन मैंने दे दिया येलो एंड देन मैंने दे दिया मैजेंटा, फाइन ओके। अब आप इसको एग्जीक्यूट करो, देखो विथ आपकी क्या हो गई, चेंज हो गई है, आपकी पाइथन की जो बार थी उसकी हो गई 0.1 यूनिट, ओके सी की आपकी क्या हो गई 0.2 यूनिट एंड आपकी सी प्लस प्लस की हो गई है 0.3 यूनिट राइट, जावा की आपकी होगी 0.4। ऐसे ही आपने कलर चेंज किया है, सबके डिफरेंट कलर दिए हैं, पाइथन का आपका रेड कलर है, देन आपका ग्रीन कलर है सी का, देन येलो है आपका सी प्लस प्लस का एंड मैजेंटा है आपका जावा का, ओके अब क्या करना है आपको, आपके जो बार्स हैं, ओके उनका आपको क्या देना है, एच कलर देना है राइट, बार्स को आपने क्या देना है, एच कलर देना है। तो हम बार फंक्शन में एक पैरामीटर और पास करेंगे, यहाँ पे कौन सा पैरामीटर आप पास करोगे, आप पास करोगे एच कलर, ई डी जी ई एच ओके सी ओ एल ओ आर कलर राइट। और मान लो मैं दे देती हूँ ब्लू कलर, एच कलर आपने क्या दे दिया, ब्लू कलर दे दिया है राइट। अब आप क्या करोगे, इसको एग्जीक्यूट करोगे फाइन। तो यहाँ पे आई थिंक ये विजिबल होगा आपको कि इसकी आउटलाइनिंग आ गई, जो बार्स है उनकी आउटलाइनिंग आ गई है, किस कलर में आ गई है, ब्लू कलर में आ गई है फाइन। तो यहाँ पे आपने क्या किया है, एच को कलर दिया है, बार्स की एच को आपने क्या दिया है, कलर दिया। अगर आपको इस एज की क्या करनी है, विथ इंक्रीज करनी है
राइट, एज की विथ, राइट। तो आप कौन सा पैरामीटर दोगे, आप दोगे लाइन विथ, लाइन विथ, ठीक है, बार फंक्शन के अंदर लाइन विथ इक्वल्स टू, जैसे मैंने लाइन विथ दे दी, मान लो मैंने दे दी 5, ओके, लाइन विथ दे दी आप मैंने 5। अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, अब देखो ये इंक्रीज होगी, जो इसकी एज थी वो क्या हो गया है, वो इंक्रीज हो गई है, राइट, वो अब 5 हो गई है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे उसको इंक्रीज कर दिया है लाइन विथ को। अब अगर क्या करना चाहते हो आप, जो आपका एज है, ठीक है, उसका स्टाइल चेंज करना चाहते हो, तो आप एक पैरामीटर क्या दोगे, लाइन स्टाइल, लाइन स्टाइल। और लाइन स्टाइल में आप क्या करोगे, डिफरेंट डिफरेंट लाइन स्टाइल्स होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया कॉलन, कॉलन दे दो या डबल डैश दे दो, राइट, मैंने कॉलन दे दिया, आप इसको क्या करोगे, एग्जीक्यूट करोगे, तो आपका एच का क्या होगा, देखो एच का स्टाइल चेंज हो गया है, फाइन, आपका एच का स्टाइल क्या हो गया है, चेंज, ओके। चलो अब मैं क्या करती हूँ, इसकी विथ को सिंगल स्केलर वैल्यू दे देती हूँ, मैं इसकी विथ को सिंगल स्केलर वैल्यू दे देती हूँ 0.5 दे दिया, कलर कलर यही रहने देते हैं, ठीक है। अब मैं जो नेक्स्ट पैरामीटर है वो आपको दिखा रही हूँ, उससे आप क्या कर सकते हो, अपने ग्राफ को थोड़ा सा ब्लर कर सकते हो, राइट। तो उसमें कौन सा पैरामीटर आप पास करोगे, आप पास करोगे अल्फा पैरामीटर, राइट। अल्फा पैरामीटर की जो वैल्यू होती है वो 0 to 1 होती है, राइट। तो आप 0 से लेकर 1 तक कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, मैंने जैसे यहाँ पे दे दिया 0.5, लेट अस सपोज मैंने दे दिया 0.5 अल्फा की वैल्यू, एंड देन एग्जीक्यूट दिस। तो देखो आपका चार्ट क्या है, ब्लर हो गया है। अगर मैं इसको थोड़ा और कर देती हूँ, जैसे मैंने 3 कर दिया, अगेन एग्जीक्यूट दिस, राइट, और ब्लर हो गया। तो आप इसमें 0 to 1 कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, कोई भी फ्लोट वैल्यू दे सकते हैं, राइट। इससे क्या है, आपका चार्ट क्या हो गया है, ब्लर हो गया है, फाइन। तो अब हमने सारे एट्रीब्यूट्स कर लिए, अब देखो यहाँ पे आपका सिंपल बायोग्राफ है। अगर आप क्या क्रिएट करना चाहते हो, आप हॉरिजॉन्टल बायोग्राफ क्रिएट करना चाहते हो, तो आप बार फंक्शन की जगह कौन सा फंक्शन यूज करोगे, आप बार एच फंक्शन का यूज करोगे, राइट, ओके। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ में कन्वर्ट हो जाएगा, जहाँ पे एक्स एक्सिस वाई बन जाएगा और वाई एक्सिस एक्स बन जाएगा। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ बन गया है, एक्स एक्सिस कहाँ चला गया, वाई एक्सिस पर, और वाई एक्सिस आपका कहाँ चला गया, एक्स एक्सिस पर, राइट, हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ से, राइट। तो मुझे अब क्या चाहिए, मल्टीपल बार ग्राफ के लिए, ओके। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मल्टीपल बायोग्राफ, राइट। यहाँ पे आपने क्या किया है, ये सिंगल बायोग्राफ है, राइट, ओके। मल्टीपल बायोग्राफ्स अगर आपको क्या करने हैं, प्लॉट करने हैं, ओके, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो मेरे पास था एक्स सीक्वेंस वाई सीक्वेंस, ओके, तो एक सीक्वेंस और हम लेते हैं, हम लेते हैं जी, ओके, और इसमें भी मैं कर लेती हूँ वैल्यूज दे देते हैं इसके अंदर, ठीक है, फाइन, इसमें मैंने वैल्यूज दे दिए, राइट। अब एक बायोग्राफ, जो एक बायोग्राफ है वो किसको प्लॉट करेगा, एक्स इन वाई को प्लॉट करेगा, और एक करेगा एक्स इन जी को प्लॉट, राइट। तो यहाँ पे मैंने दे दिया, इसका कलर दे देते हैं हम लोग, कलर इसका दे देते हैं रेड, फाइन, ओके, एंड इसका लेबल दे देते हैं, इसका लेबल दे देते हैं नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है, ये लैंग्वेज नंबर ऑफ बॉयज को पसंद है, मतलब इतने बच्चों ने, इतने बॉयज ने इसको ऑप्ट किया है, ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज दे देते हैं इसको हम लेबल, एंड एक सीक्वेंस हम और इसमें प्लॉट करेंगे, मल्टीपल बायोग्राफ बना रहे ना, तो यहाँ पे हमने दे दिया एक्स एंड जी, ओके, एंड इसका कलर हमने दे दिया है, इसका कलर हमने दे दिया है येलो, ले लो येलो, ओके, एंड इसका लेबल ले लो आप नंबर ऑफ गर्ल्स, कि इतने गर्ल्स ने ये वाली लैंग्वेज ऑप्ट की है, राइट। अब लेबल दिया है तो आप क्या करोगे, लेजेंड फंक्शन लोगे यहां पर, ठीक है, लेजेंड को शो करने के लिए, लेजेंड, राइट। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मल्टीपल बायोग्राफ अभी हम बना रहे हैं, राइट, ओके, इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। नाउ लुक एट दिस, अभी यहाँ पे क्या है, ओवरलैप हो रहा है, ठीक है, ग्राफ क्या है, यहाँ पे जो रेड कलर है वो क्या शो कर रहा है, नंबर ऑफ बॉयज जिन्होंने लैंग्वेजेस को ऑप्ट किया है, पाइथन को, सी को, सी प्लस प्लस को, और येलो वाला क्या दिखा है, नंबर ऑफ गर्ल्स के, कितने गर्ल्स ने इसको ऑप्ट किया है, ओके, लेकिन ये क्या है, ओवरलैप कर रहे हैं,
राइट, और मुझे क्या चाहिए, मुझे ग्राफ चाहिए साइड बाय साइड, राइट, जो बार्स बने वो साइड बाय साइड बने, ओवरलैप ना करें, फाइन। तो उसके लिए अब हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इम्पोर्ट करेंगे नमपाई लाइब्रेरी को, इम्पोर्ट नमपाई एस एनपी, राइट, मैंने एनपी नेम दे दिया है, ओके। और हम क्या करेंगे, यूज यहाँ पे नमपाई लाइब्रेरी के लिन स्पेस फंक्शन का यूज करेंगे, जिससे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ एक्स पॉइंट्स क्या करेंगे फाइंड आउट, ठीक है। एनपी डॉट लिन स्पेस राइट, लिन स्पेस फंक्शन दिया है, इसमें मैंने कर दिया 1 से लेकर 51 तक की रेंज में ये 4 पॉइंट्स क्रिएट कर दे एक्स एक्सिस पर, राइट, 4 पॉइंट्स ये क्रिएट कर देगा एक्स एक्सिस पर। अब देखो, अब बार में आपको क्या करना है, अब आपको एक्स की जगह क्या लेना है, एन लेना है, ठीक है, क्योंकि एक्स पे ये क्या कर रहा है, ये जो पॉइंट्स क्रिएट करेगा उसके ऊपर हमें अपनी बार्स क्रिएट करनी है, ठीक है। तो और इसमें अब ले लो आप विथ, क्योंकि विथ भी डिसाइड करनी पड़ेगी, लेट अस सपोज विथ है आपकी फर्स्ट बार की 3, ओके, फर्स्ट बार की आपकी 3 है, एंड पॉइंट के ऊपर जो आपने फर्स्ट बार बनाई है उसकी विथ क्या है 3, ठीक है। एंड ये क्या है, नंबर ऑफ एक्स पॉइंट्स है, ओके, जो लिन स्पेस फंक्शन से क्रिएट होंगे, फोर पॉइंट्स क्रिएट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स पॉइंट पर आपका जो फर्स्ट बार है उसकी विथ है 3, फाइन। अब सेकेंड जो है, ठीक है, वो कितना स्पेस लेगी, n प्लस 3, क्योंकि ऑलरेडी जो आपका 3 यूनिट है वो ले चुका है एक बार, तो नेक्स्ट जो बार है वो किस पे आएगा, n प्लस 3, ठीक है, ओके। एंड यहाँ पे आपने फर्स्ट में आपने y था और ये z है आपका, ठीक है, पहले आपने क्या लिया था, x y एंड x z लिया था, अब आपने x की जगह क्या लिया है, n y एंड n प्लस 3 एंड z, ओके, फाइन। अब देखो मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ, तो यहाँ पे देखो आपकी बार्स आ गई हैं, बार्स आ गई हैं, ठीक है, ओवरलैप नहीं है ये बार्स, ओके, लेकिन क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे आपका जो पहले क्या आ रहा था, नेम्स आ रहे थे लैंग्वेजेस के, वो नेम्स अब नहीं आ रहे हैं, फाइन, बार्स तो आ गई है, राइट, ओके, एंड साइड बाय साइड आ गई है, बट अभी नेम्स नहीं आ रहा है, फाइन, तो वो हम कैसे लाएंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोग यूज करेंगे xtix फंक्शन का, ठीक है, तो plt डॉट xtix, ठीक है, xtix क्या होता है, x लेवल पे जो ये जो आपके पॉइंट्स होते हैं, I'll show you, ठीक है, इनको टिक्स कहा जाता है, ये जो पॉइंट बना हुआ है 0 पे आपका 10 पे, जो ये लाइन बनी हुई है इसको टिक्स कहा जाता है, राइट। तो आप क्या चाहते हो, आपके एक तो नेम्स आ जाए, राइट, ओके, तो आपने क्या करना है, xtix फंक्शन में आपको पास क्या करना है, आपको पास करना है पहले तो लोकेशन, ठीक है, किस लोकेशन पे आप नेम्स को चाहते हो, तो अभी आपके पॉइंट्स क्या है, n पॉइंट्स है, ठीक है, प्लस आपने क्या कर दिया विथ, जो विथ ऑक्यूपाई हो रही कंप्लीट, और देन आप क्या पास करोगे, इसके बाद आपने पास कर दिया कौन से लेवल्स आपको चाहिए, ठीक है, कौन से इन टिक्स पर आपको कौन से लेवल चाहिए, तो मैं यहां से कॉपी कर लेती हूँ इसको, मैं को ये लेवल्स चाहिए, ठीक है, तो इसको मैंने यहां से कॉपी कर लिया सिंपल, एंड आई विल पेस्ट देम हियर, ठीक है, ओके। अब नाउ इसको क्या करेंगे आप, ये देखो एरर आ गई, एरर क्यों आ गई, क्योंकि आपने विथ को डिफाइन नहीं किया है, तो हमें यहाँ पे विथ को डिफाइन भी करना है, विथ हमारी क्या है 3 है, ठीक है, अब इसको फिर से एग्जीक्यूट करो आप, राइट, अब नाउ लुक एट दिस, यहाँ पे आ गया है लेकिन मिड में नहीं आ रहा, राइट, मिड में नहीं आ रहा है आपका, फाइन, तो आपको क्या करना है, मैं चाहती हूँ ये जो मेरा पाइथन है वो मिड पे आए, फाइन, तो उसके लिए आप क्या करोगे, इसको मिड में लाने के लिए आप क्या करोगे, एन प्लस विथ को आप डिवाइड कर दोगे 2 से, फाइन, जिससे वो मिड में आए, एंड देन यू विल एग्जीक्यूट दिस। अब देखो आपका मिड पॉइंट पे आ रहा है, आपका जो ये आ रहा है ये पाइथन सी सी प्लस प्लस जावा ये कहाँ आ रहा है, मिड पॉइंट पे आ रहा है, फाइन, तो यहाँ पे हमारा ये क्या बन गया, मल्टीपल
bar graphs, right? Histogram provides visual interpretation of numerical data by showing the number of data points that fall within a specified range of values. So histogram kya hai? Graph hai jo numerical data ko graph ki form mein show karta hai, right? Aur ye data ko kaise show karta hai? Ye data ko show karta hai in the form of range, right? Aur range ko hum kya kehte hain? Bins. It is similar to a vertical bar graph. किसकी तरह है हिस्टोग्राम? बार ग्राफ की तरह है. However, a histogram, unlike a vertical bar graph, shows no gaps between the bars. लेकिन बार ग्राफ में क्या होता है? बार्स के बीच में गैप होता है. हिस्टोग्राम में बार्स के बीच में गैप नहीं होता है, राइट? कॉन्टिन्यूस बार्स होते हैं, राइट? इट इज लाइक अ बार ग्राफ विद द एक्स एक्सिस रिप्रेजेंटिंग बिन रेंजेस. यहाँ पे हिस्टोग्राम में एक्स एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट होता है? यहाँ पे रेंज रिप्रेजेंट होती है, लाइक 60 to 65 रेंज होगी, 65 to 70 रेंज होगी. और इस रेंज को क्या कहा जाता है? इंटरवल कहा जाता है या बिन्स कहा जाता है, ओके? एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंटिंग फ्रिक्वेंसी. और वाई एक्सिस क्या दिखाती है? फ्रिक्वेंसी ऑफ डेटा, राइट? कि आपका डेटा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितने टाइम्स अकर करता है, कितनी बार रिपीट होता है, राइट? Histograms are a great way to show results of continuous data. Histogram की help से आप continuous data को show कर सकते हैं, like weight, height, etc. range की form में, okay? But when the data is in categories such as country or subject, etc., one should use a bar graph. लेकिन अगर आपको groups show करने हैं, categories show करनी है, तो आप क्या use करोगे? Bar graph का use करोगे, okay? Now, how you will create histogram? Creating histogram using hist function. अब किसका यूज करके आप हिस्टोग्राम का यूज करते हो? आप मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी के पाइप्लॉट मॉड्यूल के हिस्ट फंक्शन. मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का मॉड्यूल क्या है? पाइप्लॉट मॉड्यूल है. और उस मॉड्यूल के अंदर कौन सा फंक्शन है? हिस्ट फंक्शन, जिसकी हेल्प से आप हिस्टोग्राम को क्रिएट करते हो, राइट? फंक्शन प्लॉट्स अ हिस्टोग्राम. इट कंप्यूट्स एंड ड्रॉ द हिस्टोग्राम ऑफ एक्स. किसका ये हिस्टोग्राम क्रिएट करेगा? एक्स. तो एक्स क्या है? हमारा डेटा है जिसका ये क्या करेगा? हिस्टोग्राम क्रिएट करेगा, राइट? और यहाँ पे लिखा है वेयर एक्स इज एन एरे, एरे ऑफ वैल्यूज और सिक्वेंस ऑफ एरे, राइट? इसको हम प्रैक्टिकली करते हैं, राइट? तो मैं क्या करती हूँ, फर्स्ट यहाँ पे मुझे क्या चाहिए? डेटा चाहिए. तो डेटा के लिए मैं क्या कर रही हूँ? मैं डेटा यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ, ओके, राइट? मैंने किया इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट एस एस पीएलटी, राइट? मैंने क्या ले लिया? इसका एलियास नेम ले लिया है, राइट? यहाँ पे मैं डेटा को जनरेट कर रही हूँ, सो डेट वी कैन यूज दैट डेटा. हम उस डेटा को यूज कर सकें क्या बनाने के लिए? अपना हिस्टोग्राम बनाने के लिए, राइट? और मैं क्या करूंगी? रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट करूंगी, फाइन. तो यहां पे हम ले लेंगे एनपी डॉट रैंडम डॉट रेंट इंट, ओके. रैंडम मॉड्यूल का रेंट इंट फंक्शन हम ले रहे हैं, जिसके अंदर मैं ले लेती हूँ, मुझे चाहिए 10 से लेकर 70 तक इंटीजर वैल्यूज, राइट? और कितनी वैल्यूज चाहिए मुझे? 50 चाहिए, ओके, 50 वैल्यूज, फाइन. देन आप उन वैल्यूज को प्रिंट करा दो, ओके. इसको हम एग्जीक्यूट कर देते हैं, हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी, ओके. नाउ वी हैव गॉट द वैल्यूज. वैल्यूज मिल गई हमें, रैंडम नंबर्स मिल गए हैं. कहाँ से? 10 to 70, 50 रैंडम नंबर्स हमें मिल गया. ये तो हमारा डेटा हमको मिल गया है. अब हम इसको यूज करेंगे, ठीक है? इम्पोर्ट, ठीक है, मैट प्लॉट लिब ले लेते हैं अपनी, मैट प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट एस पी एल टी, फाइन. और फिर आप उसमें ले लेंगे हम डेटा, डेटा ले लेते हैं हम. अब डेटा हम कहाँ करें, कहाँ से? यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, जो हमने यहाँ से डेटा हमारा आया है उसको हम कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल वी. अब इस डेटा को क्या करना है? इस डेटा को हमें कोमा से सेपरेट करना है, क्योंकि कोमा सेपरेटेड डेटा नहीं है, तो हम इसे कोमा से सेपरेट करेंगे, ओके. तो हमने क्या किया? कोमा से सेपरेट कर लिया अपने डेटा को, राइट? नाउ पीएलटी डॉट हिस्ट, इस फंक्शन का हम यूज करेंगे और इस फंक्शन में अपने डेटा को पास कर देंगे, राइट? अपने डेटा को पास कर दिया, ओके. अब हम क्या करेंगे? पीएलटी डॉट टाइटल, अपने ग्राफ को टाइटल दे देते हैं हम लोग,
हिस्टोग्राम दे देती हूँ मैं इसको टाइटल, राइट ओके। पीएलटी, पीएलटी क्या है, एलियास नेम है मैटप्लॉटलिब.पाइप्लॉट का, ओके तो हमने यहाँ पे हिस्ट फंक्शन का यूज किया, टाइटल फंक्शन का यूज किया, अब हम एक्स लेबल पे दे देते हैं, एक्स लेबल पे दे देते हैं नेम, मतलब एक्स लेबल दे देते हैं, एक्स लेबल पे हम क्या ले रहे हैं, बिन्स ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे बिन्स ले लेते हैं, बिन्स इंटरवल्स ओके एंड पीएलटी डॉट वाई लेबल, वाई लेबल पे आप ले लो डेटा, डेटा राइट। नेक्स्ट आप क्या करोगे, शो फंक्शन का यूज करोगे टू शो योर ग्राफ, राइट। नाउ इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो देखो ये हमारा ग्राफ आ गया, राइट ग्राफ आ गया है, इसका ग्राफ की हेडिंग आपकी क्या है, हिस्टोग्राम ओके, और एक्स एक्सिस पे आपके बिन्स हैं एंड आपका डेटा है ओके, वाई एक्सिस पे आपका डेटा है राइट। अब इसको क्या करेंगे, हम इसमें डिफरेंट डिफरेंट और पैरामीटर्स देते हैं। अब देखो बाय डिफॉल्ट आपका जो कलर आया है हिस्टोग्राम का वो ब्लू है राइट, अब मैं चाहती हूँ इसका कुछ डिफरेंट कलर आए, तो मैं क्या करूंगी कलर पैरामीटर को इसमें पास करूंगी राइट। मैंने यहाँ पे कलर पैरामीटर पास कर दिया, कलर इक्वल्स टू आप कोई सा भी कलर दे दो, यहाँ पे मैंने दे दिया रेड राइट। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, नो लुक एट द ग्राफ, कलर चेंज हो गया राइट, अब कलर क्या आ गया है रेड कलर ओके। आप ग्रीन कलर देना चाहते हो ग्रीन कलर दे दो राइट, कोई भी कलर आप दे सकते हो, चेंज कर सकते हो कलर पैरामीटर को यूज करके। एग्जीक्यूट किया आपका आ गया ग्रीन कलर, लुक एट दिस ग्रीन कलर ओके। नेक्स्ट पैरामीटर मैं दूंगी एच कलर, मुझे बार्स का क्या चाहिए एच कलर भी चाहिए, तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे पैरामीटर पास करूंगी एच कलर, कलर अभी मेरा बार क्या है ग्रीन कलर में, तो मैं इसका एच का कलर दे देती हूँ रेड ओके। एग्जीक्यूट करते हैं इसको, लुक एट दिस, देखो एच का कलर आ गया है ओके, एच का कलर क्या आ गया है आपका रेड कलर आ गया है फाइन। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या डिफॉल्ट बिन्स बने हुए हैं ओके ओके, बट मैं क्या चाहती हूँ मैं खुद से बिन्स दूँ राइट, खुद से बिन्स दूँ, बिन्स से क्या होगा मैं जो मेरी जो रेंजेस है वो पर्टिकुलर जो डेटा है वो पर्टिकुलर रेंज में फॉल करेगा, यहाँ पे भी डिफॉल्ट बिन्स बने हुए हैं राइट। तो व्हाट वी विल डू, वी विल गिव द बिन्स हेयर, तो बिन्स देने के लिए क्या करते हैं यहाँ पे हम बना लेते हैं एक पैरामीटर, मैं ले लेती हूँ मतलब नॉट पैरामीटर, एक मैं ले लेती हूँ वेरिएबल जिसके अंदर मैं बिन्स को डिफाइन कर देती हूँ कि मेरे बिन्स कहाँ कौन कितने हो, 10, 20 हो, 30 हो, 40, 50, 60 एंड 70, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे 10 से स्टार्ट हुआ है फाइन ओके, और आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 69 तक जा रही है, तो मैंने यहाँ पे 70 तक बिन्स ले लिए हैं, और मैं क्या करूँगी यहाँ पे बिन्स पैरामीटर को पास कर दूंगी बिन्स इक्वल टू एल जो मैंने लिस्ट यहाँ पे ली है फाइन, और आप इसको एग्जीक्यूट करोगे नो। अब देखो आपने जो बिन्स दिए थे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, इसके अंदर आपका जो डेटा है वो अब इसके अंदर इनक्लोज है, 10 टू 20 आपका कितने जो भी वैल्यूज आई हैं, मतलब 8 वैल्यूज आई हैं, 20 टू 30 भी आपकी 8 वैल्यूज आई हैं फाइन, 30 टू 40 आपकी 10 से अबव वैल्यू आई है, 40 टू 50 आपकी 8 से बिलो वैल्यू आई है, नंबर ऑफ वैल्यूज राइट, नंबर ऑफ वैल्यूज की यहाँ पे बात हो रही है ओके। तो आपने बिन्स पैरामीटर पास करके क्या किया है, बिन्स को डिफाइन किया है कि अपने खुद के बिन्स यहाँ पे बनाए हैं ओके। नेक्स्ट पैरामीटर हमारे पास क्या है, कम्युलेटिव ठीक है, इसको हम लेंगे सी यू एम यू एल ए टी आई वी ई, कम्युलेटिव राइट। तो इसका क्या यूज है, अगर कम्युलेटिव की वैल्यू आप ट्रू करते हो तो क्या होगा, ईच बिन गिव द काउंट इन दैट बिन्स, जो बिन होता है वो अपना जितना भी काउंट होगा जितने टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज उसमें होगी वो, प्लस ऑल बिन्स ऑफ स्मॉलर वैल्यूज, तो एक बिन क्या शो करेगा अपने खुद की वैल्यूज को शो करेगा और जो उससे छोटे बिन्स है उनकी वैल्यूज को भी एड करके शो करेगा राइट ओके। और जो लास्ट वाला बिन है वो जितने भी बिन्स हैं उन सब की वैल्यूज को ऐड करने के बाद उन सब की वैल्यूज का सम शो करेगी ठीक है। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू क्या होती है, कम्युलेटिव की होती है फॉल्स, अगर हम इसको ट्रू कर देते हैं तो क्या होगा, जितने भी बिन्स हैं
राइट, वो क्या करेंगे अपने से छोटे बिन्स की वैल्यू को ऐड करके शो करेंगे। फाइन, अब मैंने ट्रू कर दिया है, हम इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। नाउ लुक एट दिस, अब यहाँ पे देखो 10 टू 20 इंटरवल के अंदर कितनी वैल्यूज थी, 10 से बिलो थी, तो 20 टू 30 ने क्या किया अपनी वैल्यूज को और प्लस इसकी वैल्यूज को ऐड करके शो किया है। ऐसे ही 30 ने क्या किया है, जो 30 टू 40 की जो बिन थी उसने किसकी वैल्यूज को ऐड किया है, 10 टू 20 वाली रेंज की वैल्यूज को और 20 टू 30 वाली वैल्यूज को अपनी वैल्यूज के साथ ऐड करके। तो देखो ये क्या है, बार्स क्या होते जा रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं, राइट, क्योंकि ये अपने से छोटे बिन्स की वैल्यूज को ऐड करते जा रहे हैं। ओके, और जो लास्ट वाला बार है वो क्या कर रहा है, टोटल ऑल ओवर जितनी भी वैल्यूज है उन सबके नंबर ऑफ वैल्यूज को ऐड करके वो शो कर रहा है। ओके, और अगर हम कम्युलेटिव की वैल्यू को क्या कर देते हैं, माइनस वन कर देते हैं, तो इससे क्या होगा, माइनस वन कर देंगे तो इट विल रिवर्स द हिस्टोग्राम, ये हिस्टोग्राम्स को, हिस्टोग्राम जो आपका ग्राफ आया उसको रिवर्स कर देगा। देखो यहाँ पर क्या हुआ है, रिवर्स हो गया हिस्टोग्राम, क्योंकि हमने क्या कर दिया, कम्युलेटिव की वैल्यू क्या कर दी है, माइनस वन। ओके, अब यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट जो आपका एक्सिस है वो जीरो से स्टार्ट हुआ है। अब नेक्स्ट हमारा जो पैरामीटर है वो है बॉटम पैरामीटर, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, हम एक्सिस की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मैं इसको हटा देती हूँ। ओके, इसको हटा दिया हमने और पैरामीटर ले लिया अपना बॉटम, और यहाँ पे इसमें जीरो की, जीरो से स्टार्ट हुआ है, मैंने कर दिया 10, राइट, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देखो क्या है, आपका 10 से स्टार्ट हुआ है। ओके, 10 से स्टार्ट हुआ है, पहले किससे स्टार्ट था, जीरो से, बॉटम पैरामीटर से क्या हो गया, अब ये 10 से स्टार्ट हुआ है। फाइन, ओके, इसको हम हटा देते हैं, बाय डिफॉल्ट वो जीरो से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट पैरामीटर है आपका ओरिएंटेशन, राइट, ओरिएंटेशन बाय डिफॉल्ट क्या है, वर्टिकल ओरिएंटेशन है, लेकिन आप क्या कर सकते हो, आप इसको हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं कर देती हूँ हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, राइट, ओरिएंटेशन मैंने दे दिया है हॉरिजॉन्टल। तो आपका जो ग्राफ है, अब लुक एट दिस, आपका जो ग्राफ है वो क्या हो गया है, हॉरिजॉन्टल ग्राफ हो गया। फाइन, तो ओरिएंटेशन की दो वैल्यूज होती है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। तो आप कोई भी, मतलब बाय डिफॉल्ट वो वर्टिकल ही होता है, तो आप हॉरिजॉन्टल करना हो तो आप हॉरिजॉन्टल कर सकते हो बाय यूजिंग द ओरिएंटेशन। ओके, अब इसे हम क्या करते हैं, वर्टिकली कर देते हैं, वर्टिकल, राइट। इसके साथ एक पैरामीटर क्या है हमारे पास, हिस्ट टाइप। हिस्ट टाइप पैरामीटर का क्या यूज है, इससे आप डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में हिस्टोग्राम को दे सकते हो। लाइक मैंने यहाँ पे दे दिया हिस्ट टाइप, ओके, और मैंने दे दिया इसको स्टेप की फॉर्म में, ओके, सिंपल स्टेप की फॉर्म में। अब इसको आप एग्जीक्यूट करो, ये देखो आपका ग्राफ किस फॉर्म में आ गया है, स्टेप की फॉर्म में आ गया है, राइट। अगर मैं इसको कर दूं स्टेप फिल्ड तो क्या होगा, ये फिल्ड भी हो जाएगा। सी, इसमें कलर फिल हो गया है, राइट, ओके, तो ये क्या है आपका स्टेप फिल्ड, राइट, आप दे सकते हो। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, बार, बार की फॉर्म में हो सकता है, आप बार स्टैक्ड भी दे सकते हो, बार, बार स्टैक्ड। See, ये आपकी बार्स की फॉर्म में आ गया, बार्स टैग्ड, राइट, बार्स की फॉर्म में और फिल्ड, फिल्ड विद द कलर, राइट, ओके। अब यहाँ पे देखो जो आपके इंटरवल्स हैं 10 टू 20, ओके, एक पर्टिकुलर बार ने इस पर्टिकुलर इंटरवल को कम्प्लीटली ऑक्यूपाई किया है, राइट। अगर आप चाहते हो कि जो आपकी बार है वो पूरे इंटरवल को कवर ना करे, तो आप कौन से पैरामीटर का यूज करोगे, आप रिलेटिव विथ का यूज करोगे। फाइन, तो मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ कि आप कैसे करोगे। हमने यहाँ पे कर दिया, एक पैरामीटर ले लिया आर विथ, आर विथ, राइट, और मैंने इसकी वैल्यू दे दी 0.8, राइट। तो 0.8 का मतलब क्या है, 80% ये विथ कवर करे, जो एक पर्टिकुलर इंटरवल की होती है वो 100% विथ होती है, राइट, जो बार कवर कर रहा है वो 100% विथ है। तो 0.8 का यहाँ पे हो गया रिलेटिव विथ हो गया, रिलेटिव विथ मीन्स ये इस 100% की, जो 100% विथ है उसकी 80% विथ को कवर करे। तो हम यहाँ पे इसको देखते हैं कैसे, नाउ देखो
आप इसको आप देख सकते हो, पहले ये 10 to 20 ऑक्यूपाई कर रहा था, अब तो यहाँ पे लगा लो यहाँ पे 10% इसने यहाँ पे छोड़ दिया, 10% यहाँ पे, तो जो मैक्सिमम विथ इसने कवर किया 100% की, वो क्या है 80%। ओके, नेक्स्ट पैरामीटर आपका क्या है, लॉग पैरामीटर, LOG 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 पैरामीटर अगर आप यूज करते हो और इसको ट्रू कर देते हो तो क्या होगा, आपका जो डेटा है वो किस फॉर्म में आ जाएगा, वो लॉग टेबल की फॉर्म में आ जाएगा, राइट। तो मैंने यहाँ पे देखो अभी हमारे पास डेटा है, राइट, यहाँ पे हमारा डेटा की फ्रिक्वेंसी दी गई है कि जो डेटा है 10 to 20 के बीच में वो नंबर ऑफ डेटा कितने हैं, 8 वैल्यूज हैं। 20 to 30 के बीच में कितनी वैल्यूज हैं, वो भी 8 वैल्यूज है। 30 to 40 के बीच में अबव 10 वैल्यूज है, राइट, क्योंकि हमने वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक ली थी, हमने वैल्यूज ली थी 10 to कहाँ तक ली थी, 10 to 70, राइट। ओके, तो लॉग से क्या होगा, ये जो डेटा है okay, वो किस फॉर्म में आ जाएगा, लॉग टेबल की फॉर्म में आ जाएगा, राइट। तो हमने क्या किया, लॉग इक्वल्स टू ट्रू दे दिया, इसको एग्जीक्यूट करो। अब यहाँ पे देखो ये लॉग टेबल की फॉर्म में आ गया है आपका डेटा, देखो यहाँ पे 7 × 10⁻⁰, 8 × 10⁻⁰, 9 × 10⁻⁰, तो ये लॉग टेबल की फॉर्म में आ गया 10⁻⁰, राइट। ओके, अगर आप अपने ग्राफ में क्या शो करना चाहते हो, ग्रिड लाइंस शो करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, plt.grid फंक्शन का यूज करोगे। तो मैंने plt.grid फंक्शन का यहाँ पे यूज किया है, राइट, इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ग्रिड लाइंस भी आ जाएंगे आपके ग्राफ में। लुक एट दिस, सी आपके ग्राफ में क्या आ गई है, ग्रिड लाइंस भी आ गई हैं। ओके, तो हमने क्या किया, यहाँ पे हिस्टोग्राम को क्रिएट किया है और पैरामीटर्स देखे हैं, इसमें कौन कौन से पैरामीटर्स आप यूज कर सकते हो। ओके,